सिक्स क्लास लेसन फोर देखो, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। ये लेसन आपका है कल्पना चावला के विषय में, ठीक है। इन 1997 एन इंडियन, इसको बिफोर यू में ये बता दिया जाता है कि ये लेसन किस विषय पर है और किसके बारे में, किस आदमी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इन 1997 यानी कि 1997 के अंदर एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला, एक भारतीय और अमेरिकन, क्योंकि उसको ये कहा जाता है कि उसको भारतीय नागरिकता तो थी उसके पास, और जब वो अमेरिका में रहती थी तो उसकी वहाँ की नागरिकता भी उसको मिल रही थी, इसलिए वो दोनों जगह रह सकती थी, इसलिए उसको इंडियन अमेरिकन कहा गया है। कल्पना चावला नाम था उसका, कल्पना चावला वाज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू एब्रोड द US स्पेस शटल। किसका भाग थी? अंतर्राष्ट्रीय क्रू जो जत्था था, यानी कि एक दल था, ठीक है, विदेशी जत्था था जो US का था, स्पेस शटल में जाने वाला, कोलंबिया, जो स्पेस शटल का नाम है कोलंबिया। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बोर्न इन इंडिया, पहली वुमेन औरत बन गई थी, इंडिया के अंदर पैदा हुई थी, टू गो इन टू स्पेस, स्पेस में जाने का उसको मौका मिला था। सैडली द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजडी, और कहते हैं कि उदासीपूर्ण रूप से कहा जाता है कि दूसरा मिशन था कोलंबिया का, उसके अंदर वो नाकामयाब रहती है और एक वो ट्रेजडी में बदल जाता है, यानी कि एक दुर्घटना हो जाती है घटित। लेसन और भी यहाँ से स्टार्ट है। कल्पना चावला सेड दैट सी नेवर ड्रीम्ड, कल्पना चावला कहती है कि उसने कभी भी सपने नहीं देखे, एज ए चाइल्ड इन करनाल, जब वो करनाल में थी तब, बच्ची थी जब वो, दैट सी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो जो स्पेस की ऊंचाइयां हैं, अंतरिक्ष की ऊंचाइयां उसको छुएगी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, उसके लिए ये तो पर्याप्त था कि उसके माता पिता उसको ये अनुमति प्रदान कर दे कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लें, कि शामिल हो जाए, और जब वो टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, उसके पास उसने पहले क्या किया, BSc की उसने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है। अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, उसके पिताजी इसके बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर BSc करें। सी वेंट फॉर ए मास्टर डिग्रीज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वो चली जाती है एक मास्टर डिग्री करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के अंदर चली जाती है वो। सी लेटर अर्नड हर PhD, उसके बाद वो अपनी PhD करती है इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद उसने अपने BSc और जो डिग्री थी वो कहाँ से की थी, क्या डिग्री की थी उसने, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में की थी, और उसके बाद उसने एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर PhD की थी। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन, कल्पना चावला थी वो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट थी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल, इनकी केप कार्निवल के अंदर जो लॉन्च पैड था उससे उड़ान भरने वाली, फ्लोरिडा के अंदर है ये, एंड पार्टिसिपेट इन ए सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और सबसे जो स्पेस के अंदर उनका प्रोग्राम था उसके अंदर उसने पार्टिसिपेट किया था, और वो मिशन था वो सफल भी रहा था। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, और उसका परिवार उसको क्या कर रहा था, चीयर अप कर रहा था, ठीक है, उत्साह बढ़ा रहा था इनकी, किसके साथ था वो उसका परिवार, स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर वो परिवार साथ ही था। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जैसे वो कोलंबिया को देख रहे थे। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा, कल्पना थी वो करनाल में, हरियाणा में, करनाल में पैदा हुई थी जो कि हरियाणा में है, बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड US सिटीजन, परंतु वो क्या थी, अब US की नागरिकता उसको मिल गई थी और वो US की सिटीजन भी बन गई थी। मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पीरे हैरिसन,
एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पीर हैरिसन, उससे उसने शादी कर ली थी। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, सी वाज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। कहता है कि इसके अतिरिक्त, एस्ट्रोनॉट बनने के अतिरिक्त और क्या थी, वो सिंगल विमान भी उड़ा सकती थी और मल्टी इंजन के जो एयरप्लेन्स थे उनको उड़ा सकती थी। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और सी प्लेन्स भी उड़ा सकती थी और ग्लाइडर्स भी। सी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और वो एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट, कहता है जो पायलट को क्वालिफाइंग करने के बाद उसने क्या किया था, कल्पना बिगेन टू कंसिडर अनोदर चैलेंज, कल्पना ने दूसरे किसी चैलेंज के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अप्लाइंग टू नासा स्पेस टल प्रोग्राम, उसने नासा के स्पेस टल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया। सी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, वो उसको पहले ही हायर कर लिया गया था एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में नासा के अंदर। इन 1994 सी वॉज सिलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, कहता कि 1994 के अंदर उसको सिलेक्ट कर लिया था नासा के अंदर ट्रेनिंग के लिए, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग लेने के लिए, ठीक है। व्हेन आस्क्ड व्हेन व्हाट इट वाज लाइक बीइंग ए वुमेन इन हर फील्ड, सी रिप्लाइड, जब उसे पूछा गया कि एक औरत होना इस फील्ड में उसके लिए कैसा रहेगा, तो उसने क्या जवाब दिया था, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैं ऐसा कभी नहीं सोचती। व्हाइल परस्यूइंग माई स्टडीज और डूइंग एनीथिंग एल्स, जब मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखना होता है और कोई चीज़ भी करनी होती है, दैट आई वॉज ए वूमेन, कि मैं एक औरत हूँ, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या फिर मैं एक छोटे शहर से हूँ, और ए डिफरेंट कंट्री, या फिर अलग देश से हूँ। ए प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स आई फॉलोड देम, मैं कहता कि मेरे लिए मेरे सपने ही काफ़ी हैं और मैं उनके पीछे रहती हूँ। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली, और जो लोग मेरे आस पास हैं भाग्यवश, ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, हमेशा मेरे को उत्साहित करते हैं और कहते हैं, इफ़ दैट्स वाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, ये जो तुम करना चाहते हो उसको करो, जारी रखो करना। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस टल, कल्पना की जो पहली स्पेस मिशन थी वो स्पेस टल के अंदर कोलंबिया के अंदर, वाज 15 डेज 15 दिन की थी, 16 ओवर्स एंड 34 मिनट्स लॉन्ग, यानी कितनी लंबी थी, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबी थी। During this time, she went around the earth 252 times. इस समय के दौरान उसने क्या किया, धरती के 252 बार चक्कर लगाए। Traveling 10.45 million kilometers. उसने कितने मिलियन यात्रा की, 10.45 million kilometers यात्रा की। The crew included a Japanese and a Ukrainian astronaut. ये कहते हैं जो उनका जत्था था या दल था, क्रिव को मतलब दल, उसके अंदर जितने लोग थे उनके अंदर कौन कौन था, एक जापानीज था और एक यूक्रेन का जो एस्ट्रोनॉट था वो भी शामिल था। द क्रिव परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, कहते हैं कि जो जत्था था उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे कि प्लांट्स होते हैं वो बढ़ते हैं किस तरीके से, फूड इनकी फूड है वो किस तरीके से प्राप्त करते हैं या ग्रोथ करते हैं प्लांट्स हैं वो स्पेस के अंदर। एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर मेटल्स, और ज़्यादा हार्ड मेटल बनाने के लिए भी उन्होंने वहाँ टेस्ट की। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, और कंप्यूटर चिप्स जो जल्दी और तेज चल सके, ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 million, और इन सभी में खर्चा कितना है, $56 million का।